क्या नाम है आपका? जसपाल सिंह। क्या करते हो? बाकी जिमीदारा बस यही ठेके पर जमीन है, बाकी रब करे बारिश से पहला बढ़ गई जी, बाकी बारिश पैगी जी इधर तो बहुत नुकसान है जी खेत में जी, तो सारी कणक गिर गई, बुरा हाल हो गया जी। सारी फसल तो वैसे घट हुई जी बहुत जी, गिर गई जड़ी कणक तो मट्टी आनी जी, जो बारिश से पहला बढ़ गई तो हम अपना मंडी में जी दो दिन हो गए ट्रैली अंदर खड़ी थी जी बारिश में जी। आज से पोर्टल के जरिए? हाँ जी, बारिश से पहला अंदर कर दी जी पहला जी। कितनी लेकर आए होगी आप? बस ने हो गए जी मेरा ख्याल 100-125 क्विंटल होगा जी इतना जी। और भी आनी है अभी आप? बाकी भी तो बढ़ेगी फिर आएगी जी। अभी कितने दिन लगेंगे? अभी टाइम लगेगा जी, खेत गिले हो गए जी, क्यों तूफान बहुत आ बारिश बहुत ही पड़ी जी, बारिश होने करके तो रब करे जो मशीन नहीं पड़ती जी खेत में जी। पैसे कैसे आड़ती से ले रहे हो या आपके खाते में? खाते में आएंगे जी पैसे, तो खाते पाओ भेज जाएंगे जी, कोई बात नहीं, मान पे अगे भी खाते में आ रहे जी। ठीक है। हाँ बाकी हो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मैं दुनी चंद प्रधान, अनाज मंडी वाला शहर। क्या कहना चाहेंगे आज से शुरुआत हुई है करीब? आज कोई किसी की पहले की काटी हुई तो कह नहीं सकते, क्योंकि अब बारिश पड़ गई और कंबाइन नहीं चलती, जो मशीनें हैं वो 10 दिन नहीं चलेंगी कम से कम, और 10 दिन तक कनक नहीं आएगी, इसलिए अभी तो वेट करना पड़ेगा सरकार को भी, और इसीलिए अभी बारदाना नहीं दिया सरकार ने, जो एजेंसियों हैं इसलिए बारदाना नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि अभी कनक नहीं आ रही, अगर कोई आई है तो थोड़ी बहुत उसका कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खरीदी भी नहीं जाएगी, अभी मॉइस्चर ज़्यादा होगा उसमें, तो इसलिए अभी वेट करना पड़ेगा कनक के लिए। तो आगे भी बारिश हो सकती है तो क्या कुछ इंतजाम कर रहे हैं आपकी? अगर बारिश होगी तो किसान के लिए तो फिर मुसीबत होगा, आगे चला जाएगा सीजन, क्योंकि जब तक बारिश नहीं हो खत्म होगी और खेत सूखेगा नहीं तब तक कंबाइन नहीं चल सकती उसमें, और कणक नहीं आ सकती, कणक नहीं कटेगी, और इस बार तो बहुत नुकसान है कणक का, जैसे पिछले साल भी नुकसान था, 10-12 क्विंटल निकली थी, अब के देखो कभी उससे भी कम ना निकले, ये हालात हो गए हैं, क्योंकि कई जगह ओले भी पड़ गए, कई जगह फसलें बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। पेमेंट का किस तरह से था? खाते में जारी है, आड़ती के जरिए ही जारी है अभी? खाते में जारी है, और वो खाते का नुकसान है, बैंक को भी नुकसान है, उससे आड़ती को नुकसान है और किसान को भी, तीनों को नुकसान है। उसका नुकसान ऐसे है कि मान ले किसी ने अपनी फसल का 5 लाख का बैंक से अपनी लिमिट बनवाई हुई है, और जैसे फसल ख़राब होगी, उसकी फसल हुई 3 लाख की, तो वो 2 लाख रुपए कहाँ से भरेगा, क्योंकि वो 3 लाख उसकी लिमिट में चले गए, लिमिट तब शुरू होती है जब वो 5 समेत ब्याज भरे जाए, वो आड़ती पे आएगा, आड़ती पे पैसे नहीं, क्योंकि पेमेंट सीधी जा रही है, पहले ऐसे था कि 10 आदमियों की पेमेंट आ गई, वो उसकी पर देता था, वो उसकी पर देता, ऐसे काम चलता रहता था, लेकिन अब वो बैंक के भी पैसे नहीं आ रहे और ना आड़ती के आ रहे, और किसान दुखी है, उसको आगे पैसे नहीं मिल रहे, इसके डायरेक्ट पेमेंट से नुकसान है तीनों को, बैंक आड़ती और किसान, वो इसमें ऑप्शन होनी चाहिए किसान को कि वो डायरेक्ट लेगा या आड़ती के थ्रू लेगा। पिछली बार भी काफ़ी हंगामा भी हुआ इस बात को, हाँ वो क्योंकि इस बार भी होने वाला है। हाँ हाँ, क्योंकि ये किसान की ऑप्शन है, पहले ऑप्शन थी उसकी, उसको ऑप्शन दे दें कि वो आप डायरेक्ट लेंगे या आड़ती के थ्रू लेंगे, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, सरकार को तो कोई फर्क नहीं उसमें। तो आड़ती इस बार विरोध करेंगे? नहीं, अभी तो नहीं करेंगे, क्योंकि इस साल तो ऑलरेडी ही किसान दुखी है, सारा सिस्टम खराब हो गया, तो इसलिए इस साल नहीं करेंगे। फिलहाल चाहोगे तो कि आप? हाँ बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि किसान को ऑप्शन होनी चाहिए कि वो सीधी लेगा या आड़ती के थ्रू लेगा, ये ऑप्शन होनी चाहिए किसान की। मंडी में जो गेहूं की खरीद है वो आज से शुरू हो चुकी है, कल जो जिलाधिकारी द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी, DFSC साहब, एफ DM साहब और सभी सेक्टर वर्ग मंडी प्रधान उसमें शामिल हुए थे, तो उसमें एजेंसी द्वारा बारदाना भी उपलब्ध करवा दिया गया है, और मंडी में भी पूरी तैयारी है, गेट पे कंप्यूटर रखवा दिए गए हैं, और जो भी किसान मेरी फसल मेरा ब्यूरो पे पोर्टल पे रजिस्टर्ड होगा उसका गेट पास जारी कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल मंडी में 2 ही डेरी आई है जो कि काफ़ी गिल्ली है, उनके लिए किसान को बोलते हैं कि इसको थोड़ा आज मौसम साफ है, धूप कर चिद्दी करके सुखा ले, जब उसका मॉइस्चर 12 तक रह जाएगा तो उसकी एजेंसी को बुला के उसकी बोली करवा दी जाएगी। कितनी लगभग वो एक दोनों किसानों की 40-40 क्विंटल के 80 क्विंटल के आसपास है दोनों डेरी, जो अभी काफ़ी गिल्ली है, उसको
आज मौसम साफ है तो सूख जाएगी, कल उसकी गोली करवा देंगे। तो वैसे रूटीन में कब तक आने की उम्मीद है पूरी? रूटीन में सर जैसे कल बरसात हुई, मौसम ख़राब है क्योंकि अभी खेतों में कपाई तो नहीं चल सकती। कुछ किसानों का ही कहना है कि जल्दी एक सप्ताह कम से कम मोस्टली अराइवल आने में, जो लगातार अराइवल आने में टाइम लगेगा एक हफ्ता। क्या उम्मीद है इस पर, कितनी फसल आने की उम्मीद है? सर वो तो देखो किसान ही बता सकता है, लेकिन जैसे मौसम ख़राब है कुछ किसानों के व्यू भी लेते हैं, हम यहाँ मंडी में जाते हैं तो किसान कहते हैं कि हमारा नुकसान काफ़ी है, तो कम ही आने की संभावना है पिछले वर्ष में, क्योंकि अब आप भी देख रहे हो लगातार एक हफ्ते से बरसात है तो गेहूँ का नुकसान तो है। गुलाब सिंह माणकपर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन हरियाणा टिकैतपुर। तो पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप टाइम टू टाइम किसानों की समस्याओं के बारे में लोगों को और सरकार को अवगत कराते रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि पिछली जो सोने की फसल थी उसमें भी हमें दो पैसे नहीं बचे थे, खर्चा भी पूरा नहीं हुआ, तो इस बार बहुत अच्छी फसल थी गेहूँ की, लेकिन जितनी अच्छी थी उतनी ही बर्बाद हो गई है, तो अब भी खर्चा भी सोल होने की नौबत नहीं है। तो अब मौसम का मजाज अभी भी बिगड़ा हुआ है, तो अगर 20-25% उम्मीद थी तो वो भी पूरी होने वाली नहीं। दूसरी बात सरकार की, इस सरकार में जितनी अनदेखी किसान की हो रही है शायद पहले किसी सरकार में इतनी नहीं हुई, मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता था, क्यों अभी तक ना ही किसी बीमा कंपनी ने हमारे नुकसान का जायजा लिया है, ना ही सरकार की तरफ से कोई पटवारी कानून को तहसीलदार कोई करदौड़ी करने के लिए नहीं आया। एक दिन हमें बताया गया भी ऑनलाइन आप शिकायत दर्ज कराते हैं, तो हम गए दफ्तर में, वो कहने लगा भी आप डीसी से परमिशन ले कराओ, तो ये हालत है हमारा। लेकिन मुख्यमंत्री ने मुआवजा देने की बात कही है, देखो ये बातें बहुत करते हैं लेकिन हमें बहुत कम उम्मीद है। आज से जो खरीद हो रही मंडी में उसमें बारे में क्या कहें? देखो खरीद बेचने के लिए है ही कुछ नहीं, इसमें इन तरीकों में तो यहाँ मंडी में अंबार लाए जाते थे गेहूँ के, अब कम से कम 15 दिन लेट हो गई हमारी ये जो गेहूँ की कटाई है। अरे क्या है, खड़ी फसल है सूख जाती है, हवा लगी जमीन पर लेटी हुई है, तो हवा नहीं लग रही ना खेत को हवा लग रही है, अरे काटेंगे अब मशीन का जो कंपेन का खर्चा वो डबल हो गया, वो डबल टाइम लगेगा, अगर 1 घंटे में किला काटती थी मशीन तो अब 2 घंटे में, वो तो 2 घंटे के पैसे लेंगे, उनका तो कोई कसूर नहीं, तो हमें हमारी जो उपज भी घट गई ऊपर से खर्चा बढ़ गया।